नमस्कार, एग्री मॉर्निंग कॉन कॉल में आपका स्वागत है। आज 29 मई, कल के सेशन में हमने एग्री कॉम्प्लेक्स में एक अच्छा खासा मूव आते हुए देखा। इसी को हम एग्री डेस्क के जरिए भी देख सकते हैं। हमने देखा कि एग्री डेस्क 26 तारीख को लॉन्च हुआ। लॉन्च होने के बाद मार्केट में कंटिन्यू एग्री डेस्क में तेजी थी, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन दिखाता है कि 10 कमोडिटी, बड़ी कमोडिटी में हमने एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है। बट एग्री डेस्क 1040 का लेवल छूने के बाद कल एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ दिखाई दिया और 1018 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल हमें लगता है कि एग्री डेस्क इंडेक्स एक अच्छा बैरोमीटर है। यहाँ पे आप अच्छी लिक्विडिटी के साथ ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर हम एग्री डेस्क में जिस ढंग से गिरावट देखी, उसी का एक सीधा सीधा असर हमने सभी एग्री में आते हुए देखा, जहाँ सोयाबीन में 0.5% की गिरावट, सोया रिफाइंड में 0.5% की गिरावट, मस्टर्ड में भी हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग थी, वहीं हल्दी रेंज में थी, जीरे में और धनिए में भी हमने थोड़ी बहुत गिरावट आती हुई देखी, कॉटन सीड ऑयल केक में 2% की गिरावट आती हुई देखी, गवार सीड गवार गम दोनों में ही साइडवे टू नेगेटिव प्राइस मोमेंटम बनते हुए देखा। तो कहीं ना कहीं एग्री डेस्क काफी इंपॉर्टेंट है और पूरे ही एनसीडीएक्स का जो मार्केट का व्यू है हमें एग्री डेस्क से मिल सकता है। आज के सेशन की बात करें तो सबसे पहले एग्रीडेस सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। आज अगर 1020 1022 के ऊपर एग्रीडेस निकलता है तो हमें लगता है फिर से 1035 से लेकर 1040 तक का लेवल दिखा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 1008 का रहेगा। जब तक एग्रीडेस 1008 के ऊपर होल्ड है, हमें लगता है कि ऊपर में फिर से 1035 से 1040 तक का लेवल दिखा सकता है। वहीं अगर हम इंडिविजुअल कमोडिटी की बात करें तो कल के सेशन में हमने पूरे एडिबल ऑयल पैक में एक गिरावट आती हुई देखी, जहाँ पे सीपीओ में 0.5% की गिरावट, रिफाइंड सोया में भी 0.5% की गिरावट है, मस्टर्ड में 0.5%, सोयाबीन में 0.5% की गिरावट और मस्टर्ड में भी हमने गिरावट आती हुई देखी। कैस्टर में एक रिकवरी दिखी जो आज के सेशन में भी थोड़ा बहुत रह सकता है, बट ध्यान रखिए जब तक 3600 के ऊपर नहीं निकलता है कैस्टर, ध्यान थोड़ा सा एक मंदी का मिल सकता है। तो ओवरऑल हमें लगता है आज कैस्टर में भी एक गिरावट का रूप फिर से देखने मिल जाएगा। वहीं एडिबल ऑयल पैक की अगर बात करें तो आई डोंट थिंक कोई बड़ी गिरावट या बड़ी तेजी रहेगी। 3800 के ऊपर सोयाबीन थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, जो अपसाइड में करीबन वापस 3880 तक का लेवल दिखा देगा। जबकि चने में हमें लगता है कि कल की जो रैली है वो कंटिन्यू कायम रह सकती है और चना अगर 4100 के ऊपर मेंटेन रहता है तो इमीडिएट जो हर्डल रहेगा वो करीबन 4180 का रहेगा और लॉन्ग टर्म हमें लगता है कि चने में एक अच्छी तेजी रहेगी। वहीं मसालों की अगर बात करें, कल के सेशन में मसालों में हमने फ्लैटिस मोड के साथ मूव करते हुए देखा। हल्दी 5200 से लेकर 5500 के बीच में ट्रेड करती हुई दिखाई देगी, जबकि जीरे में भी हमें लगता है कि 13500 के ऊपर प्राइस होल्ड करता है तो 13850 तक का एक छोटा जंप देखने मिल जाएगा। धनिया में 5600 से 5800 के बीच में मार्केट मूव करता हुआ दिखाई देगा। कॉटन सीड ऑयल के 1940 का लेवल मिलने पे बाई कीजिए, जब तक 2020 का लेवल तोड़ता नहीं है। 1940 से लेकर 2000 के बीच में ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। गवार सीड गवार गम में हमें लगता है आज मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा, 3500 से 3600 के बीच में गवार सीड और 5200 से 5400 के बीच में गवार गम ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। धन्यवाद।